नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस, फिलहाल के टाइम अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न्स में अच्छी खासी उछाल अभी के टाइम नज़र आ रही है। अब कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कि सर 500 रुपये वाली प्राइस जो है वो कब तक कवर होने वाली है और हम लोग को किस लेवल तक जो है होल्ड यहाँ पर रखना चाहिए और कल इस सप्ताह के एक्सपायरी पर किस प्रकार का है शेयर तेज़ी में देखने को मिलेगा या गिरावट में और क्या फंडामेंटल आगे चलकर कंपनी को देखने के मिल सकते हैं और हमें इस डिसीजन क्या लेना बेस्ट रहने वाला है। और दोस्तों चार्ट का एनालिसिस आज हम फिर से करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों अगर कंपनी की आज की प्राइस की अगर बात की जाए तो 3.70 रुपये पर अभी के टाइम जो है आज मार्केट यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर आज की उछाल अगर यहाँ पर हाइएस्ट पर देखी जाए तो 3.80 रुपये तक आज का इंट्राडे में उछाल यहाँ पर बना। साथ ही देखे तो दोस्तों इसमें जो रिटर्न है वो 8.82% की रिटर्न में उछाल और 30 पैसे की तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आई। अब उसी के विपरीत अगर पिछले 5 ट्रेड अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 5 ट्रेड में जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला वो मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है 21.31% का मल्टीबैगर रिटर्न। साथ ही साथ 65 पैसे की जो है जंप आप लोग को नजर आएगी। अगर उसी प्रकार एक महीने का फंडामेंटल देखे तो उसमें दोस्तों 25.5% के आसपास का जो मल्टीबैगर रिटर्न रहेगा और 75 पैसे की जो है उछाल रहेगी। पर उसी प्रकार अगर 6 महीने का देखा जाए तो दोस्तों 6 महीने में भी जो सुधार है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा देखने को मिल चुका है, लगभग 3% की रिटर्न्स में तेजी और दोस्तों 10 पैसे का जो है उछाल आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2.35 रुपये तक शेयर की जो प्राइस थी वो बाउंड लो वीक में लुढ़क चुकी थी। फंडामेंटल दोस्तों काफी ज्यादा वीक और क्रेश यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। पर मैंने आप लोग को यह बताया था कि जिस लेवल तक शेयर की जो प्राइस है वो गिरती है तब तक आप लोग को जो अच्छा खासा बाइंग आप लोग को करनी है और लगातार जो तेजी है तब तक आप लोग को लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट है वो बुक होता हुआ नजर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले टाइम एक बार दिया था और एक बार फिर से आज दे रहा हूं। अगर दोस्तों अगर कंपनी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर और बाहरी स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर अगर हम यहां पे मान सकते हैं, अगर आंतरिक स्ट्रक्चर के अगर यहां पे मजबूत होगा जैसे कि हम मार्केट कैप है उनकी कंपनी जो है मार्केट कैप में अच्छी खासी होनी चाहिए और कंपनी जो है कर्ज मुक्त होनी चाहिए तो दोस्तों आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों अगर यहां पे देखा जाए तो दोनों चीज यहां पे कंपनी का देखने को मिल रही है, कंपनी कर्ज मुक्त भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर यहां पे देखा जाए तो मार्केट कैप भी जो है अच्छा खासा 349.81 करोड़ का यानी कि 350 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। पर भारी जो स्ट्रक्चर है वो पिछले टाइम काफी ज्यादा ऑलरेडी वीक हो चुका था, फंडामेंटल भी मैंने काफी ज्यादा नेगेटिविटी आप लोग को देखने को मिल चुकी थी। पर मैंने आप लोग को बताया था कि सबर आप लोग को ही रखना पड़ेगा, रिकवरी भी आप लोग को देखने को मिलने वाली है तो अभी के टाइम जो है तेजी उसी प्रकार रिकवरी पर नजर आ रही है। तो अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों जो आंतरिक स्ट्रक्चर पिछले टाइम नेगेटिव देखने के बजाय काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने के साथ साथ दोस्तों नेगेटिव भी देखने को मिला पर अभी टाइम वापस जो है पॉजिटिव आंतरिक स्ट्रक्चर में मजबूती काफी देखने को मिली। अगर यहाँ पे आंतरिक में अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी तो भारी में दोस्तों भले गिरावट या तेजी क्यों ना देखने को मिले पर दोस्तों आंतरिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो भारी पर दोस्तों रिकवरी है वो ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। वही यहां पे फंडामेंटल में देखने को मिला और तेजी वही यहां पे रिटर्न्स में रिकवरी पर देखने को मिली और दोस्तों 5 रुपए वाली जो प्राइस की आप जो बात कर रहे थे वो आप लोग को आने वाले दोस्तों 20 से 25 दिन के अंदर 100% आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो अभी टाइम दोस्तों बेसिक अभी टाइम होल्ड यहां पे कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के हाथ में यहां पे रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों बेसिक जानकारी को और बेसिक फंडामेंटली को और आप लोगों को मैं लेकर चलूँ, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। और दोस्तों उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए जो मल्टी वगैरह जो तेजी है वो आप लोग को संकेत पर अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संकेत है वो दोस्तों बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। रिटर्न्स पे दोस्तों जो हैमर है वो पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो कैंडल्स का जो सपोर्ट जोन है वो भी दोस्तों पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। अभी के टाइम दोस्तों मेरी जो रिकमेंडेशन रहने वाली है वो है रहने वाली है अभी के टाइम सबसे बड़ी जो है होल्ड रखने की, क्योंकि लगातार जो है मल्टी वगैरह जो रिटर्न है वो यहाँ पे देखने को नजर आ सकता है और तेजी जो है वो भी आप लोग को देखने को मिलने वाली है। क्योंकि लगातार दोस्तों जो कैंडल्स थी वो नेगेटिव की तरफ बढ़ती हुई नजर आई, फंडामेंटल में जो क्रेश लेवल था वो भी यहाँ पे देखने को मिला। अगर यहाँ पे देखा जाए तो शेयर की जो प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेयर की जो प्राइस आप लोग को यहाँ पे दोस्तों देखे तो इस जो रहने वाली है वो आप लोग को इस लेवल की देखने को मिली थी, पर अभी के टाइम जो देखने को मिली वो दोस्तों देखे तो 3.70 रुपये तक आज जो है 80 पैसे तक जो है उछाल यहाँ पे देखने को मिला और तेजियाँ 70 पैसे की यहाँ पे बनती हुई नजर आई। तो अभी के टाइम जो सबसे बड़ा जो पेशेंस है वो होल्ड रखने का रहने वाला है और तेजी आप लोग को 100% कल वापस से फिर से देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों बेसिक जानकारी की ओर देखा जाए तो ऑर्डर बुक भी दोस्तों आज का बड़ा यहाँ पे नजर आने वाला है। सबसे पहले कारोबार देखा जाए तो 4,13,48,486 सिर्फ आज के एंट्राडे में कारोबार आप लोग को नजर आएगा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो बाइंग ऑर्डर जो है 5,03,624 सिर का आज के एंट्राडे में देखने को नजर आएगा, जो 3.65 रुपये की प्राइस पर देखने को मिला। उसी के साथ साथ इंपैक्ट कॉस्ट अच्छी खासी देखने को मिल चुकी है, आंतरिक स्ट्रक्चर जो है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ एप्लाइकेबल मार्जिन रेट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 27.73 यहाँ पे नजर आएगी और डिलीवरी आज की देखा जाए तो 44.68 की डिलीवरी आज के
सैटरडे में देखने को मिली। तो सीधा सीधा जो है संकेत दोस्तों ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, कल बड़ी तेजी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और स्ट्रक्चर में जो बदलाव है वो दोस्तों बड़ा नजर आने वाला है। तो जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम आप लोग को जो है होल्ड रखने की बड़ी आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। और इसी के साथ आज का ट्रेड वैल्यू अगर देखा जाए तो ट्रेड वैल्यू 1509 लाख का टोटल जो ट्रेड वैल्यू है आज के इंट्राडे में नजर आया। स्ट्रक्चर में बदलाव बड़ी तेजी के साथ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपकी जो भी शेयर के बारे में अपनी जानकारी हो, बेसिक राय हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।